नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है हफ्तावाल। इस शो में हम छत्तीसगढ़ और बिलासपुर के आसपास की पिछले हफ्ते की खास खबरों और उनके पीछे की खबरों पर बात करते हैं। इस अंक में बिलासपुर शहर के SBR कॉलेज की जमीन को लेकर चल रहे विवाद पर बात होगी। किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के प्रदर्शनों पर बात करेंगे। अगले विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी में सीएम के चेहरे को लेकर चल रही सुगबुगाहट पर भी बातचीत होगी। अटल श्रीवास्तव के टूरिज्म बोर्ड चेयरमैन बनने के बाद पर्यटन के क्षेत्र में किस तरह की उम्मीदें बढ़ी हैं और छत्तीसगढ़ में किस मुद्दे को लेकर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सरकार से नाराज हैं। इनके अलावा और भी खबरों पर तफसील से बात होगी। आइए शुरू करते हैं हफ्तावाल का नया अंक। सबसे पहले नजर डालते हैं हफ्ते की तस्वीर पर। आपने इन तस्वीरों में देखा, एक सड़क है, उस पर फुटपाथ है और उस फुटपाथ पर लोगों के चलने की जगह खाली नहीं है। सीधी नजर से देखने पर यह किसी को भी बेजा कब्जा नजर आएगा, लेकिन किसी को भी यह जानकर हैरत होगी कि यह बेजा कब्जा किसी और ने नहीं किया है, बल्कि फुटपाथ पर यह कब्जा नगर निगम का है। जी हाँ, स्मार्ट सिटी बिलासपुर के स्मार्ट नगर निगम का, जिसे शहर को स्मार्ट बनाने की जिम्मेदारी मिली हुई है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नगर निगम शहर को स्मार्ट बनाने की बजाय इसे खुद ही किस तरह से बदनाम करने में लगा हुआ है। पिछले लॉकडाउन के दौरान फुटपाथ के एक किनारे लगे ठेले हटाकर निगम के लोगों ने वहां पर अपनी गुमटियां लाकर रख दी और भूल भी गए। मजेदार बात है कि कुछ समय पहले नगर निगम ने ही मंगला चौक से उसलापुर रेलवे ब्रिज के बीच सड़क किनारे बड़े बड़े पेड़ों के उस पार टाइल्स लगाकर सुंदर सा फुटपाथ बनाया था, जिस पर लोग चलते थे। लेकिन तस्वीरों में देखकर समझा जा सकता है कि यह फुटपाथ अब चलने लायक नहीं रह गया है और लोगों को चलने से रोकने का काम खुद नगर निगम कर रहा है। हाल ही में इसी सड़क के दूसरी ओर गरीबों के ठेले हटाए गए थे। अब स्मार्ट नगर निगम के स्मार्ट लोगों से कौन पूछेगा कि बेजा कब्जा हटाने के नाम पर गरीबों की रोजी रोटी तो छीन ली, लेकिन आप खुद अपना बेजा कब्जा कभी हटाओगे भी या नहीं? आइए अब आगे बढ़ते हैं। लंबी लड़ाई के बाद ऐतिहासिक SBR कॉलेज मैदान का फैसला पिछले दिनों सामने आया। फैसला उचित लेकिन बिलासपुर वासियों को हतप्रभ करने वाला था। लोगों को बहुत देर तक विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अब तक विश्वास था कि भूमाफियों की लॉबी बहुत मजबूत है, सिस्टम पर भारी भी है। लेकिन SDM देवेंद्र पटेल कोर्ट ने इफ बट किंतु परंतु पर विराम लगाते हुए SBR कॉलेज ट्रस्ट जमीन की खरीदी बिक्री पर पूरी तरह से ताला लगा दिया। फैसला दिया कि ट्रस्ट की जमीन शैक्षणिक गतिविधियों में उपयोग की जा रही है, इसे किसी भी तरह से बेचा जाना उचित नहीं होगा। 100% सही लेकिन अप्रत्याशित कहे जाने वाले कोर्ट के फैसले ने भूमाफियों की सोच की कमर को तोड़कर रख दिया है। फैसले की चर्चा इन दिनों बिलासपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में है। पुराना जुमला है, सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। बिलासपुर शहर के लोगों ने इस जुमले को दोहराकर इस फैसले का स्वागत किया है। SDM कोर्ट का फैसला दबाव में आए बिना जनहित और छात्रहित में दिया गया है। बताते चलें कि SBR कॉलेज अपने स्थापना समय से ही अविभाजित मध्य प्रदेश का बहुत सम्मानित कॉलेज रहा है। आज भी कॉलेज को प्रदेश में सम्मान की नजर से देखा जाता है। कॉलेज से प्रसिद्ध रंगकर्मी सत्यदेव दुबे का गहरा नाता रहा है। पिछले 20 सालों में प्रदेश सरकार में मंत्री पद संभाल चुके कई नामचीन चेहरों ने SBR कॉलेज से रिश्ता रहा है। ऐसे चेहरों की लंबी फेहरिस्त है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ गठन तक SBR के छात्र नेताओं का छत्तीसगढ़ में अच्छा दबदबा रहा, कमोबेश आज भी है। राज्य गठन के बाद प्रदेश में और खासकर बिलासपुर में जमीन माफियों की बाढ़ आ गई। धीरे धीरे भू माफिया मजबूत होते गए, देखते ही देखते सिस्टम पर भारी भी पड़ने लगे। इतना भारी कि कॉलेज मैदान की करीब 80 करोड़ रुपए कीमती जमीन पर ही उनकी नजर गड़ गई।
मामले को ट्रस्ट के पदेन रजिस्ट्रार यानी एसडीएम देवेंद्र पटेल की कोर्ट में भी रखा गया। लंबी सुनवाई और प्रति परीक्षण के बाद एसडीएम कोर्ट ने ट्रस्ट की नियत पर न केवल सवाल उठाया बल्कि जमीन को कॉलेज का मैदान बताया। एसबीआर कॉलेज की जमीन इसके की जमीन के विवाद और फैसले से जुड़ी एक बात और है कि भले ही इस मामले में सियासत से जुड़े और बड़े पदों पर बैठे लोगों की दिलचस्पी रही हो, लेकिन छात्र हित में शहर के लोगों ने विचारधारा पार्टीबंदी से ऊपर उठकर इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। तभी तो फैसले का स्वागत करते हुए अमर अग्रवाल, अटल श्रीवास्तव और शैलेश पांडे जैसे नेताओं के मिले जुले स्वर सुनाई दिए। यह बिलासपुर की पुरानी रवायत रही है और एक बार फिर बिलासपुर के मान सम्मान को बचाने बिलासपुर एक हुआ। रेल आंदोलन, मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विश्वविद्यालय आंदोलन, हवाई सेवा आंदोलन के बाद कॉलेज की जमीन को दलालों से बचाने के लिए जिस तरह नेताओं और जनता ने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर काम किया, इसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। याद इसलिए भी रखा जाएगा कि बिलासपुर को जब जब जनप्रतिनिधियों से निराशा हाथ लगी है, तब तब बिलासपुर की जनता ने अपना मुकद्दर खुद लिखा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हवाई सेवा जन आंदोलन भी है। हालांकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव 2.5 साल बाद होंगे, लेकिन मौजूदा सरकार के 2.5 साल पूरा होने के बाद अब उल्टी गिनती की सीटी बच गई है और इसकी झलक भी सड़कों पर दिखाई देने लगी है। समय से पहले अपने सिस्टम में चुनावी मोड ऑन करने में माहिर भारतीय जनता पार्टी जब भी मौजूदा कांग्रेस सरकार और सीएम भूपेश बघेल के मुकाबले की बात सोचती है तो उसे पिछले चुनाव का वह मुद्दा जरूर याद आता है जिसमें किसानों को धान का अधिक मूल्य देने के वादे का बड़ा असर हुआ और किसानों ने एकतरफा कांग्रेस का साथ दिया। बीजेपी तब से ही किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का काट खोज रही है। इसी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कुछ महीने पहले पार्टी ने सड़क पर आकर किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया था। हाल ही में खाद बीज से जुड़ी किसानों की समस्या को लेकर बीजेपी ने विधानसभा वार धरना देकर प्रदर्शन किया। अब जवाब में कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है। कांग्रेस के लोगों ने भी धरना देकर यह बताने की कोशिश की है कि खाद की सप्लाई के मामले में केंद्र की बीजेपी सरकार ही जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से खाद का जितना कोटा मांगा था उससे कम सप्लाई किया गया खाद, जिससे किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिलचस्प तस्वीर यह है कि किसानों के हितवा बनकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं। अलग अलग जगह दोनों की अपनी सरकार है, ऐसे में किसान आखिर अपनी दिक्कतों के लिए किसे जिम्मेदार माने। लेकिन किसान को यह बात समझ में आती है कि जिस तरह उसके खेत में बोनी के बाद फसल धीरे धीरे पनप रही है, बस उसी तरह सियासत की खेती भी है। पार्टी वाले अपने वोट की फसल के लिए बोनी से लेकर खाद पानी सब की फिक्र कर रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर फसल तो वही काटेगा जिसे असली किसान चाहेगा। बिलासपुर कांग्रेस के नेता अटल श्रीवास्तव को छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का चेयरमैन बनाए जाने के बाद पर्यटन के क्षेत्र में सुधार की उम्मीदें बढ़ गई हैं। नया ओहदा संभालने के बाद अटल श्रीवास्तव ने प्रदेश के दौरे की शुरुआत की है और कई पर्यटन स्थलों तक पहुंचकर वहां सुधार के लिए पहल की बात कही है। हाल के दिनों में मीडिया की हेडलाइन को देखते हुए तो कुछ ऐसा ही लगता है कि वे छत्तीसगढ़ में टूरिज्म के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। ऐतिहासिक नगरी रतनपुर जाकर उन्होंने भारत भवन की तरह एक कला सांस्कृतिक केंद्र बनाने की बात कही। इसी तरह मधुकुद्वीप में भी सैलानियों के लिए सुविधाओं की बात भी उन्होंने कही है। खूंटा घाट पहुंचकर भी उन्होंने यह देखा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ क्या किया जा सकता है। यकीनन अटल श्रीवास्तव के सामने बहुत बड़ा काम है और चुनौतियां भी हैं। चुनौतियों की बड़ी वजह यही है कि सरकार के खजाने में इस समय तंगी का दौर चल रहा है। ऐसे में वे सरकारी सिस्टम के बीच कितना कुछ कर पाएंगे यह आने वाला कल ही बताएगा। हालांकि पर्यटन केंद्रों में बहुत सी सुविधाएं सिस्टम को ठीक करके भी मुहैया कराई जा सकती हैं। लेकिन जिस तरह अटल श्रीवास्तव खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं और टूरिज्म से भी उनका नाता रहा है, इसे देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि वे यदि अभी की तरह हौसला कायम रखें तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। देखना होगा कि अपने कौशल से वह कितना कुछ कर पाते हैं। जहां तक सियासत का सवाल है, हाल के दिनों में लगातार मीडिया में सुर्खियां बटोरकर उन्होंने अब तक
हेडलाइन मैनेजमेंट में माहिर लोगों के सामने लंबी लकीर खींचने का मैसेज तो दे दिया है, मगर इस मामले में एक राजनीतिक विश्लेषक का यह कमेंट भी गौर करने लायक है कि टूरिज्म की मानिंद सियासत करने वालों को समझने समझाने के लिए टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन को अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार के 2.5 साल पूरे होने और सेकंड हाफ की सीटी बजने के बाद बीजेपी चुनावी मोड में तो आ गई है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर पार्टी का मूड नहीं बन पा रहा है कि वह अगले चुनाव में सीएम के रूप में किस चेहरे को सामने लाएगी। कोई चेहरा सामने लाएगी भी या नहीं, अब तक यह भी तय नहीं नजर आ रहा है। पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी ने कुछ दिन पहले राजधानी रायपुर में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही थी कि छत्तीसगढ़ में भाजपा विकास के मुद्दे को सामने रखेगी, सीएम के लिए कोई चेहरा सामने नहीं होगा। इसके बाद से पार्टी में इस बात को लेकर खुसुर फुसुर शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी ने इस बार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे को आगे नहीं करने का मन बना लिया है। प्रदेश की राजनीति में बदले हुए हालात को देखते हुए क्या बीजेपी को किसी नए चेहरे की तलाश है जो ओबीसी वर्ग यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से भी हो सकता है। बहरहाल इसके मद्देनजर पार्टी में सीएम के नए दावेदारों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का यह बयान भी आ गया कि जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भाजपा में मुख्यमंत्री के कई चेहरे हैं और उनमें से एक छोटा चेहरा मेरा भी है। इस बयान के बाद कांग्रेस को भी मुद्दा मिल गया और कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए यहां तक कह दिया कि मार्गदर्शक मंडल में डाले जाने से बचने के लिए डॉक्टर रमन इस तरह का बयान दे रहे हैं और वे अपने वजूद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। चुनाव अभी दूर है, लेकिन चुनावी माहौल की बातें अभी से पास आने लगी हैं। इस बारे में कोई फैसला करने के लिए बीजेपी के पास अभी वक्त तो है, लेकिन मुद्दा आगे रहेगा या चेहरा, और यदि चेहरा आगे रहेगा तो किसका चेहरा। इन सवालों पर मंथन कर बीजेपी को सही वक्त पर फैसला भी करना होगा। वैसे बीजेपी में चल रही खुसफुसाहट से इस बात की भनक तो लग रही है कि पार्टी अगले चुनाव में कुछ तो नया करने वाली है और इस तरह की कयासबाजी को थोड़ी ताकत देने के लिए एक टिप्पणीकार ने राजेश खन्ना की पुरानी फिल्म सच्चा झूठा का एक गाना याद दिला दिया, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी नया मोर्चा शुरू कर रहे हैं और कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ता का मुद्दा गर्माता जा रहा है। प्रदेश में कर्मचारियों और अधिकारियों के फेडरेशन ने एकजुटता के साथ इस मुद्दे पर सरकार के सामने ठोस तरीके से अपना पक्ष रखने की शुरुआत कर दी है। हाल के दिनों में कर्मचारी संगठनों ने इस मामले में सांकेतिक प्रदर्शन किए हैं। कर्मचारी अधिकारी संगठनों की दलील है कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 28% तक बढ़ा दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को पिछले काफी समय से 12% ही महंगाई भत्ता मिल रहा है। एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है और पेट्रोल डीजल से लेकर रोजमर्रा की जरूरत की तमाम चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन महंगाई भत्ता नहीं बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों को हर महीने हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। महंगाई भत्ता की मांग को लेकर जो माहौल बन रहा है उसमें प्रदेश के शिक्षक संगठन भी पीछे नहीं है। शिक्षक संगठनों की ओर से ज्ञापन सौंपे जाने और सरकार के सामने अपनी मांग रखने की खबरें लगातार आ रही हैं और उनकी नाराजगी भी सामने आ रही है। तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार झा कहते हैं कि बहुत पहले से हम ऐसा देखते आए हैं कि सरकारी कर्मचारियों में 3 कैटेगरी होती थी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वाले बड़े भाई, स्टेट वाले छोटे भाई और बाकी निगम मंडल वाले संगी साथी माने जाते थे। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट से डीए का ऐलान होता तो स्टेट वाले भी अपनी मांग करते और मांग पूरी होने पर हमसे कापी लेकर अन्य मंडल निगम अर्धशासकीय विभाग के कर्मचारी इसका लाभ उठाते थे, लेकिन अब इसका उल्टा हो रहा है। भेदभाव की वजह से नाराजगी बढ़ रही है और डीए में बढ़ोतरी नहीं की गई तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज होगा। अब चलते चलते एक अच्छी खबर पर बात करते हैं, जो समाज के कमजोर तबके को सक्षम लोगों की ओर से दी जाने वाली मदद से जुड़ी हुई है। इस सिलसिले में बिलासपुर संभाग के सबसे पुराने सीएमडी कॉलेज की एनएसएस यूनिट ने ऐसी मिसाल पेश की है जिसे सीखकर
और आगे बढ़ने की जरूरत है। सीएमटी कॉलेज की एनएसएस यूनिट डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर की अगुवाई में व्यावहारिक धरातल पर कई अच्छे काम करती रही है। एनएसएस ने नेवसा गांव को गोद लिया है, जहां एनएसएस के छात्रों ने तालाब बनाने से लेकर कई ऐसे काम किए हैं जिससे गांव के लोगों के साथ उनका जुड़ाव भी बढ़ा है और गांव के लोग उससे प्रेरणा भी ले रहे हैं। हाल ही में एनएसएस की ओर से नेवसा गांव में एक बैगा परिवार को एक टीवी सेट भेंट किया गया। इस काम में बिलासपुर शहर के आनंद ऑप्टिकल के महेश वाधवानी का भी सहयोग रहा। डिस्क एंटीना सहित टीवी सेट मिलने से अब बैगा आदिवासी अंजोरी के परिवार के लोग भी कार्यक्रमों के जरिए देश दुनिया से जुड़ सकेंगे और अंजोरी के घर भी नए अंजोर का आगाज हो सकेगा। इस तरह की छोटी छोटी कोशिशें समाज के कमजोर तबके के लोगों को आगे बढ़ाने में काफी मददगार हो सकती हैं। लिहाजा हम सबको इस तरह के कामों में अपनी हिस्सेदारी निभा लेनी चाहिए। हफ्तावाल के इस अंक में इतना ही। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। इस गुजारिश के पीछे मकसद यही है कि अगर हमारी कोशिश सही है तो यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। अगले शो में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।